बाइक का जो हेडलाइट है इधर पे एलईडी दिखने को मिल रहा है हम लोग को, एंड इधर पे फ्लशर भी लगाया हुआ है, दिखा देते हो, ये है इसका स्विच। तो भाई बहुत दिन से हमारा फ्लाईओवर में नहीं आया था, एंड बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये फ्लाईओवर में बाइक राइड करने में। तो चलते ऊपर में। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys extremely well. तो भाई अभी इवनिंग के बज रहे हैं 5। थंबनेल देख के तो मालूम चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर होने वाला है। मैं और एक बार बोल देता हूँ कि आज के वीडियो में टैन भाई का जो क्लासिक 350 है उसका मीटर का जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। सो हम लोग जा रहे हैं बुलेट मॉल, तो उधर पे जाके उसको ठीक करेंगे। तो पहले चलते शायन भाई का घर, एंड गाइस उधर जाके मैं अपना बाइक उधर पे रख दूंगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो गाइस डॉगी वॉगी को आप लोग जब भी देखो कि वो आप लोग की तरफ आ रहा है, सो कुछ मत करना, उधर पे रुक जाना बाइक को, या फिर उधर पे बाइक को स्लो कर देना। अगर आप उधर से स्पीड में निकलना चाहते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉगी आपको काट भी सकता है। तो जैसे कि आप लोग आके इधर पे पहुंच गए, चलो लाइट जल्द से ना एकदम। तो भाई बुलेट मॉल में जाकर बाइक का पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ कि क्या क्या है बाइक में पार्ट्स लगाया है शाइन भाई ने, मतलब क्या क्या पार्ट्स लगा के मॉडिफिकेशन करवाया है। लॉकडाउन का पहले डेली रास्ता से कॉलेज जाते थे। गाइस मालूम नहीं आप लोग नोटिस किए कि नहीं किए कि मीटर का जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया है। सो वही ठीक करवाने जा रहे हैं। बहुत दिन पहले ही ये ख़राब हुआ था, बट आज जाके शायन भाई का टाइम मिला तो मेरे को कॉल करके बुला लिया। बुलेट मॉल ज़्यादा दूर भी नहीं है, फाशीदाबामुर में ही है बुलेट मॉल। एंड गाइस अगर आप लोग इधर से कहीं पे भी रहते हो इधर का साइड वाइड का एरिया में, पाकटुकड़ा शिव मंदिर या फिर माटीगढ़ा इधर का एरिया सब में अगर रहते हो, तो आप अगर एनफील्ड का सर्विस सेंटर से काम नहीं करवा रहे हो तो बुलेट मॉल में भी काम करा सकते हो, इधर भी बहुत ही अच्छा काम होता है। तो भाई ये रहा बुलेट मॉल। पहले चल के बात करते हैं। কেমন ভালো আছো? ভালো। এই তো চলছে। কবে থেকে খুললো দোকান? সপ্তাহ 10 না। ও सो गाइस यहाँ पे एलईडी जो है वो हो चुका है पूरा पूरी ठीक, एंड बाइक का जो हेडलाइट है इधर पे
LED दिखने को मिल रहा है हम लोग को। पे फ्लशर भी लगाया हुआ है कि मैं दिखा देता हूँ, ये है इसका स्विच। और इसमें जो एलो है डायमंड एलो, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही कूल लगता है। और इसका जो साइलेंसर है ना भाई, ठीक है तो भाई इधर का काम हो चुका है। एक ऐटा देख रहा, और भाई ये तो सबसे रॉयल एनफील्ड का सबसे हिट मॉडल यही है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका फ्यूल टैंक। रॉयल एनफील्ड 350 तोर भाई का रेयर बाइक सेम है। बाइक का अगर मॉडिफिकेशन कॉस्ट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए एंड क्या क्या पार्ट्स इसमें इंस्टॉल है पूरा डिटेल में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो भाई एक कमेंट कर देना। हाँ साउंड है भी। साउंड है BS6 ना मनो है जो। तो भाई बिना लाइट का ये वाला मीटर जो दिखता था वो पूरा पूरी फीका फीका दिखता था। और भाई अपन का जो ग्रुप है ना उसमें रॉयल एनफील्ड ही सबसे ज़्यादा है। तो भाई जैसे कि आप लोग रॉकी आइलैंड वाला वीडियो में देखे होंगे, अगर अभी तक रॉकी आइलैंड वाला वीडियो कोई नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके देख लेना, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर। भाई शाम तो हो ही चुका है, थोड़ी देर बाद अंधेरे भी हो जाएगा। लाइट भी लग चुका है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो अभी जाएंगे शहन भाई का घर के सामने एंड उधर से मैं बाइक लेके निकल जाऊंगा घर के लिए। तो भाई दिखाने में और कुछ है नहीं और वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल में नए तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में तो कमेंट डाउन। तो भाई और क्या, मिलते हैं बहुत जल्द और एक कोई अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, चलो बाय बाय।